हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. दिस इज हेमंत कुमार शर्मा. ठीक है बेटा, योर बॉटनी टीचर. अभी अपन देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. अपन ने वहां तक देख लिया था क्लोरोफिल स्ट्रक्चर. ठीक है, कौन कौन से मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं और कौन कौन से एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं. अपन ने देखा था कि क्लोरोफिल होते हैं बेसिकली कितने टाइप के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन. बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन जो होते हैं ये केवल किसमें मिलते हैं बेटा, बैक्टीरिया में मिलते हैं. जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए. बाकी के सारे कैसे हैं, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. अपन ने क्लोरोफिल ए का मॉलिकुलर फॉर्मूला देखा था. क्लोरोफिल ए का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C55H72, ठीक है, ओ 5N4Mg, ठीक है. और क्लोरोफिल बी का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, C55H70O6N4Mg, ठीक है. तो बेटा जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को इंट्रैप करता है एंड कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड रिलीज द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज यूज्ड इन द लाइट रिएक्शन टू प्रोड्यूस द असिमिलेटरी पावर नोन एज एटीपी एंड NADPH2, विच इज अगेन यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन फॉर द CO2 फिक्सेशन, एंड द CO2 इज फिक्स्ड इन टू द ग्लूकोज. ठीक है, तो ये अपने को देखना है. और अपने को बेटा यहां पे दो चीजें देखनी है. एक तो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम. एक तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. कौन सा होता है दूसरा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, हर साल इससे क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं. क्या होते हैं इससे क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, ठीक है. और बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज. ठीक है, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, जहां पे मेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या करते हैं, अपना जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. और अपन पहले ही देख चुके हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये केवल और केवल किसमें होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के अंदर. मैं हायर प्लांट्स की बात कर रहा हूं, बैक्टीरिया के अंदर ये 800 से 1000 नैनोमीटर तक की लाइट में भी हो सकता है. लेकिन मेरे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है. तो कौन सी लाइट क्या की जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन उसका क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्शन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, दैट्स नोन एज द एक्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जहां पे एक्शन होना है. अब एक्शन क्या होना है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में एक्शन मतलब रेट ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वो उसका एक्शन स्पेक्ट्रम है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जहां कौन सी वेवलेंथ की लाइट क्या हो रही है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको बोलते हैं उसका क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब की जाती है लाइट, फोटोसिंथेसिस होता है हमेशा कहां, पार. पार क्या होता है, पार होता है बेटा क्या, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन स्पेक्ट्रम. वेवलेंथ कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, और मैक्सिमम कहां मिलता है फोटोसिंथेसिस, रेड लाइट में. क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, एनर्जी क्या होती है, मिनिमम. ठीक है, और रेड लाइट के बाद कहां मिलेगा, ब्लू में, और ब्लू के बाद ग्रीन में, क्योंकि ग्रीन लाइट को क्या कर लिया जाता है बेटा, जब एब्जॉर्ब करने के बाद वापस क्या कर दिया जाता है, उसको इमिट कर दिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोरोसेंस.
क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरोसेंस। इसलिए प्लांट कैसे कलर के दिखाई देते हैं अपने को, ग्रीन कलर के, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पे दिखाया गया है क्या अपना, ठीक है, ये दिखा रखा है क्या रिलेटिव फोटोसिंथेसिस रेट, और यहां पे दिखा रखी है अपने को वेवलेंथ, ठीक है। ये देखो 400 450 50 550 600 650 और 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखो बेटा जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, और मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां आ रहा है 700 नैनोमीटर पे, ठीक है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है 450 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है। अरे ये देखो बेटा जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम कहां हो रहा है 400 टू 50 500 नैनोमीटर या 450 टू 500 नैनोमीटर पे, और मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कहां हो रहा है बेटा 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है। तो ये यहां क्या हो रहा है, यहां बेटा कौन सा कलर आ रहा है अपना, ग्रीन कलर का है। ये किसकी वेवलेंथ है, ग्रीन कलर के वेवलेंथ की, जो कि क्या हो रहा है एब्जॉर्ब होने के बाद उसको प्लांट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, ठीक है। तो आया समझ में बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या होता है, जिसको कि प्लांट एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल उस लाइट को क्या करते हैं बेटा एब्जॉर्ब करते हैं, और अपन जानते हैं बिबग्योर में होता है विजिबल स्पेक्ट्रम में इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बेटा, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, वो लाइट, ठीक है, जिसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी मैक्सिमम, दैट्स कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम एंड दैट विल बी द रेड लाइट। और वो वेवलेंथ कितनी होती है रेड लाइट की 700, और जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक एक्शन स्पेक्ट्रम या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हुआ क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो ये 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट, मतलब ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 700 पे मैक्सिमम होता है, और अगर मैंने 700 से ज्यादा दे दी तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन। और ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन और सोलराइजेशन इफेक्ट एक ही बात होती है, क्या होगा हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन या क्या बोलेंगे सोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है। और इसमें दिखा रखा है मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो अपने को क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये देखो सबसे ज्यादा कहां पे, मैं बता चुका हूं सबसे ज्यादा कहां पे बेटा, रेड, उसके बाद ब्लू और फिर ग्रीन, आर बी जी, ये ध्यान रखना आर बी जी, ठीक है। हालांकि ग्रीन कलर के वेवलेंथ लाइट, ग्रीन कलर की जो लाइट की वेवलेंथ है वो ज्यादा है, लेकिन क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन कलर को क्या किया जा रहा है एब्जॉर्ब करने के बाद में तुरंत ही उसको इमिट कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसलिए यहां पे अपने को ये इजीली क्या हो रहा है बेटा देखने को ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, आ गया समझ में, रेड ब्लू ग्रीन मैक्सिमम कहां, रेड में, उसके बाद ब्लू में और उसके बाद ग्रीन में, आ गया समझ में। और कौन कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो पहले ब्लू, ठीक है, उसके बाद बेटा कौन सा, अगर अपने से पूछे क्या कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, तो सबसे पहले ग्रीन में सबसे कम, फिर उससे ज्यादा किसमें, ब्लू में, और सबसे ज्यादा किसमें, रेड में, तो जी बी आर, आर बी जी एंड जी बी आर, याद रख लोगे, बिल्कुल याद रख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन मूव करते हैं। इसके अंदर देखो ये अबोव ग्राफ, ये ग्राफ के बारे में बता रखा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है अपने को मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है क्या कि फ्रॉम द अबोव ग्राफ इट इज क्लियर दैट द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स एट द वेवलेंथ वेयर द क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम पीक, और मैक्सिमम पीक जो क्लोरोफिल ए जो शो कर रहा है वो 700 नैनोमीटर पे शो कर रहा है, अगर इससे ज्यादा लाइट दी तो वो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैंस
Chlorophyll A is the major pigment responsible for the trapping light. Yes, chlorophyll A is the main photosynthetic pigment. और chlorophyll A के अलावा सारे कौन से हैं? Accessory photosynthetic pigments हैं. कैसे pigments हैं मेरे प्यारे बच्चों? Accessory. Accessory का मतलब assist करते हैं. ठीक है? क्या assist करते हैं? कैसे assist करते हैं? अपन देखते हैं. ठीक है? आ गया बेटा समझ में? अब next देखते हैं. ठीक है? Next slide में अपन देखते हैं accessory pigments. ठीक है? ये देखो बेटा accessory pigments के बारे में यहाँ पे बता रखा है. ठीक है? ये कि क्या होते हैं ये accessory pigments. ठीक है? तो chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids are called accessory pigments. ठीक है? और ये pigments क्या करते हैं बेटा? जब क्या होते हैं कि अपना राज नहीं है किसके ऊपर? Sunlight के ऊपर. देखो वहाँ से light आएगी, उसमें UV भी आएगी, X-ray भी आएगी, gamma rays भी आएंगी. ठीक है? अपना अपना कंट्रोल है क्या सन के ऊपर कि नहीं मेरे को तो फिक्स यही लाइट चाहिए विजिबल स्पेक्ट्रम की, बाकी की लाइट भी आएंगी हम नहीं रोक सकते ना. लेकिन प्लांट तो परफॉर्म करेगा किसके अंदर? विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर. और वो कितना है उसका? 350 to 700 या 400 to 700 नैनोमीटर. ठीक है? अगर क्या हुआ बेटा, सीधी लाइट आके गिर गई किसके ऊपर? क्लोरोफिल के ऊपर. ठीक है? तो क्या होगा 700 नैनोमीटर से अगर ज्यादा की लाइट सीधी किसके ऊपर गिर गई? क्लोरोफिल के ऊपर. ठीक है? तो देन क्या होगा इस कंडीशन में? क्लोरोफिल ए ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन इफेक्ट. तो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करेंगे? ठीक है, ये पिगमेंट क्या करेंगे बेटा? जो हाई इंटेंसिटी की लाइट है उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब. और केवल क्लोरोफिल को ए को कितनी लाइट भेजेंगे? मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट भेजेंगे. ठीक है? अगर मान के चलो एक साथ 1500 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट आ गई, ठीक है, तो वो सीधे क्लोरोफिल ए को नहीं जाएगी, पहले उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे. और क्लोरोफिल ए को कितनी भेजी जाएगी? सिर्फ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है? तो ये क्या करते हैं? बचाते हैं क्लोरोफिल को. किससे? नॉट ओनली इनेबल एब्जॉर्प्शन में वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ तो अपन ने देखा था. ठीक है? लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल ए इन द हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन और द सोलराइजेशन इफेक्ट. ये क्वेश्चन आते हैं तो फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन से कौन प्रिवेंट करता है बेटा? क्लोरोफिल ए को. एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल बी, ठीक है, जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपीन्स. ठीक है? लेकिन अपने एनसीईआरटी में इतने नहीं है, अपने क्या है? सिर्फ बी और जेंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स. ठीक है? तो अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. ठीक है? ये एक्सेसरी पिगमेंट्स के बारे में था. ठीक है? अब इसमें कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं अपने को. ठीक है? अब एमसीक्यूज देखो, पहला क्वेश्चन है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लांट फोटोसिंथेसिस इज. अभी तो बोला है मैंने, क्या क्या आंसर आएगा? देखो प्रिपरेशन क्या होती है, जहां पे आपको क्वेश्चन देख के क्या आ जाए मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आ जाए. आप सिर्फ इतना देखें कि हमें किस पे ये आंसर कौन से ऑप्शन पे है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन. ठीक है? और बायोलॉजी का पेपर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटे लेगा सॉल्व होने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो. ठीक है? अदरवाइज क्वेश्चन को लेके बैठे रहो, सॉल्व नहीं होता. तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आप जानते हो कौन सा है? क्लोरोफिल ए. ठीक है? बीटा कैरोटीनॉइड्स नहीं, ये किसमें पार्टिसिपेट आएंगे? ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. क्या? ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. ठीक है? एंथोसाइनिन, ये क्या है बेटा? अपना एक पिगमेंट होता है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है अपना, जो प्लांट्स को क्या देता है? कलर. पढ़ा है ना अपन ने क्लोरोप्लास्ट में? वेरी गुड. उसके बाद क्लोरोफिल ए, यस. ठीक है? ये ल्यूटिन एक टाइप का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटीनियस कंपाउंड है. ठीक है? तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? ए है, बाकी सारे क्या है? एक्सेसरी है. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अपन स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में अपना नेक्स्ट एमसीक्यू है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार. अभी बताया था स्पेक्ट्रम,
कौन सी वेवलेंथ की लाइट को बेटा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा? मेरे प्यारे बच्चों तुम खुद ही बता दो, मेरे को इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आंसर आपकी आंखों के सामने है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है? भटकना मत इससे, ठीक है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये होता है पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है? उसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन मूव करते हैं तो अपने पास एक नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अस्तरी पिगमेंट, ठीक है? कौन कौन है? क्लोरोफिल बी भी एसेसरी पिगमेंट्स है, जैंथोफिल भी एसेसरी पिगमेंट्स है, कैरोटीनॉइड्स भी एसेसरी पिगमेंट है, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है? उसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में क्या आएगा अपने, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा अपन ने अभी देखा क्या है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, कौन कौन से अपने मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या होता है क्या एक्शन स्पेक्ट्रम, कौन है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा अपन ने, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखे, असरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखे, कौन से कलर में सबसे ज्यादा होता है, कौन से कलर में सबसे कम होता है, ठीक है? एनर्जी और वेवलेंथ का अपन ने क्या देखा, रिलेशन देखा कि सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट कलर की होती है, इसलिए उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है? क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला देखा था E = E = एस सी अपॉन लैम्डा, जो आप फिजिक्स में पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है? और उसके बाद अपन ने इसके अंदर देखा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसा ऑर्गेनल है, अब थाइलेकोइड है, अप्रेस थाइलेकोइड क्या बनाते हैं, ग्रेना, जिसमें हमारे कौन प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है? और अपन आ गया नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्या, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, वेरी क्रूशियल टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है उसमें, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी रटना नहीं है, और वैसे भी मेरे साथ रटने का कोई काम है ही नहीं, ठीक है? इसलिए बेटा पढ़ते रहें, ठीक है? और लगातार इस जो कंटेंट अपना इसको शेयर करते रहें, ठीक है? सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है? और अपने दोस्तों को जोड़ें और अच्छे से, ठीक है? एंड स्टे होम स्टे सेफ, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।